हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के रीत काल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरे 50 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और आप लोगों तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पिछले साल में रिपीट भी हो चुके हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, मैं पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है? जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, क्योंकि एग्ज़ाम आने ही वाले हैं आप लोगों को मालूम ही है, तो आप लोगों को अच्छे से भी प्रिपरेशन भी करनी होगी, ठीक है? तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला है कि रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? नंबर ऑप्शन एक मिल जाएगा सत्येंद्र, बी नंबर रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी नंबर है नागेंद्र, ठीक है? तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है? गेस करिए, आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं मालूम लेकिन आइडिया तो लगेगा कि हाँ मैं गेस कर रहा हूँ, सही हो सकता था, गलत भी हो सकता था, तो वो आप लोग करिए जरूर, ठीक है? राइट आंसर तो मैं बताऊंगा ही। तो रीतकाल को जो श्रृंगार काल कहा है, उन्होंने कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे, ठीक है, मैं बोल दूंगा फिलहाल, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा भूषण के रचयिता कौन है? नंबर एक है देव, बी नंबर है जसवंत सिंह, सी नंबर है भूषण और डी नंबर है ग्वाल। तो भाषा भूषण के जो रचयिता हैं वो हैं, क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा डिफर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन है, ठीक है? तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि हाँ क्वेश्चन का मतलब तो वही है, आंसर भी सेम है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के हो जाते हैं बस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जसवंत सिंह, भाषा भूषण के रचयिता रचनाकार जसवंत सिंह जी हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से रीतबद्ध कवि कौन है? नंबर एक बिहारी जी, बी नंबर ठाकुर, सी नंबर घनानंद, डी नंबर है देव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर बिहारी, ठीक है? इन कवियों में से जो रीतबद्ध कवि है वो बिहारी जी हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में मल्टीपल क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव OMR सीट पे एग्जाम होता है, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कई सालों से रूल्स चेंज हुए हैं, आप सभी को मालूम ही है कि ऑब्जेक्टिव यानी कि OMR सीट पे एग्जाम हो रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप लोगों को गोला करके उसे फिल करना होगा, ठीक है? OMR सीट रहेगी, चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें से जो राइट होगा ABCD में से उसको आप लोगों को वहाँ पर मार कर देना है, इसे गोला बना देना है, ठीक है? जिस स्टूडेंट फर्स्ट टाइम है, पहली बार उनको नहीं इन्फॉर्मेशन है, तो जब आप जाएंगे एग्जाम देने कॉलेज में, जहाँ भी आपका सेंटर गया होगा, तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में बता देंगे कि ऐसे प्रोसेस होगा, ऐसे आपको फिल करना है, पूरी डिटेल वो आपको बताएंगे कैसे फिल करना है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सहोजाबाई किस काल की कवयित्री है? नंबर एक है वर्तमान, बी नंबर भक्तिकाल, सी नंबर आदिकाल और डी नंबर रीतकाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीतकाल, ठीक है? सहोजाबाई रीतकाल की कवयित्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रीतकाल का प्रमुख विषय क्या है? नंबर एक प्रेम, बी नंबर श्रृंगार, सी नंबर ज्ञान और डी नंबर है विषय शक्ति। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, रीतकाल का जो प्रमुख विषय है वो है श्रृंगार, ठीक है? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं बीच बीच में आप लोगों की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके लिए आप ये मत कहिएगा कि सर फालतू बकवास करते हैं, क्वेश्चन नहीं बताते हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ही बीच बीच में कुछ भी पॉइंट जो भी मुझे लगता है कि आप तक पहुँचाना चाहिए मैं पहुँचा देता हूँ, ठीक है? तो उसके लिए आप फालतू में टेंशन मत लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि शिवा बावनी के लेखक कौन है? नंबर एक मतीराम, बी नंबर भूषण और सी नंबर है रसलीन और डी नंबर है देव। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर भूषण, ठीक है? शिवा बावनी के लेखक भूषण जी हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीन शॉट भी लीजिएगा, ओके? अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर नागेंद्र रीत का प्रवर्तक किसे मानते हैं? डॉक्टर नागेंद्र जी रीत का प्रवर्तक किसे मानते हैं? नंबर एक केशवदास, बी नंबर रहीमदास, सी नंबर मतीराम और डी नंबर है भूषण। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर केशवदास को। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से
पद्माभरण किसकी कृति है? नंबर एक घनानंद, बी नंबर भूषण, सी नंबर पद्माकर और डी नंबर है केशवदास। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पद्माभरण, वो पद्माकर की ही कृति है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, रीत काल में रीत शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? क्वेश्चन समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रीत काल में रीत शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? ऑप्शन ए के धर्म, वेद, परंपरा और डी नंबर है काव्यांग निरूपण। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो रीत शब्द का प्रयोग हुआ है काव्यांग निरूपण में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रसराज किसकी कृति है? नंबर एक देव, बी नंबर बिहारी, सी नंबर मतिराम, डी नंबर रहीम दास। तो जो मतिराम है, ठीक है, सॉरी रसदास, रसराज, वो जो कृति है वो मतिराम जी की है। ठीक है, रसराज कृति मतिराम जी की है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि देव किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन एक है जयसिंह, नागेंद्र, भवानी सिंह और डी नंबर है नरसिंह। तो जो देव जी थे वो भवानी सिंह के दरबारी कवि थे, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राम सत्सई की रचयिता कौन है या राम सत्सई के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए के राम सहायदास, बी नंबर नागरी दास, सी नंबर है पद्माकर, डी नंबर है आलम। ठीक है, तो ये बिहारी सत्सई नहीं है, ये राम सत्सई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो राम सत्सई है वो राम सहायदास जी की रचना है या इनकी एक कृति है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं आप, राइट आंसर राम सहायदास हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रीत काल में रचित अधिकांश काव्य किस प्रकार के हैं? नंबर एक मुक्तक, बी नंबर चंपू, सी नंबर कथा काव्य और डी नंबर प्रबंधक। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, रीतकाल में रचित अधिकांश जो काव्य हैं वो मुक्तक प्रकार के हैं। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मेहनत के साथ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसके बाद एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद आप तक प्रोवाइड करता हूँ। तो आप भी वीडियो को पूरी देखिए, मेरी मेहनत अच्छी जाए, बेकार ना जाए, इसलिए आप वीडियो को पूरी देखा करिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप भी पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजान चरित के रचनाकार कौन है? नंबर एक सूदन, बी नंबर भूषण और सी नंबर मतिराम, डी नंबर है केशवदास। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, सुजान चरित के रचनाकार हैं सूदन जी। ठीक है, ए नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि रसभूषण किसकी कृति है? नंबर एक है निजाम खां, बी नंबर शेख निसार और सी नंबर है याकूब खां और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, याकूब खां। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि राधा सुधा शतक के रचनाकार कौन है? नंबर एक है नरिहर दास, बी नंबर घनानंद, सी नंबर श्री हरि जी और डी नंबर है देव। तो राधा सुधा शतक के जो रचनाकार हैं वो हैं श्री हरि जी, हरि जी। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री हरि जी, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीत काल किस काल के बाद आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नंबर एक है वर्तमान काल, बी नंबर भक्ति काल, सी नंबर आदिकाल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो रीत काल है वो भक्ति काल के बाद आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, रीतकाल भक्ति काल के बाद आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रीतकाल का अंतिम श्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, देख लीजिए खुद ही। रीतकाल का अंतिम श्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन एक है पद्माकर, बी नंबर मतिराम, सी नंबर दियो और डी नंबर बिहारी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। ठीक है, रीतकाल का अंतिम सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ कवि पद्माकर को माना जाता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसिकानंद की रचना किस कवि ने की? नंबर एक कबीरदास, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर ग्वाल, डी नंबर है गोप। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रसिकानंद की जो
रचना की है वो की है ग्वाल ने। ग्वाल एक कवि हैं, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपके शायद सिलेबस में जो भी आपका बी ए फर्स्ट ईयर हिंदी में उसमें ग्वाल से रिलेटेड शायद कोई भी लेसन नहीं है, लेकिन ये जो रचना है ठीक है वो ग्वाल की है। ठीक है, ग्वाल एक कवि हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अष्टयाम की रचना किसकी रचना है? तो ऑप्शन एक है बिहारी भूषण जसवंत और जसवंत सिंह, डी नंबर है देव। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है अष्टयाम के जो रचनाकार हैं वो हैं देव, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टयाम के रचनाकार या रचयिता देव जी हैं। अगला क्वेश्चन है शिवराज भोसड के अलंकारों की कितनी संख्या? नंबर है 105, बी नंबर है 520, सी नंबर है 220 और डी नंबर है 600। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जो शिवराज भोसड में अलंकारों की जो संख्या है वो है 105, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि कुदन को राग फीको लगे झलके अति आंगनी चारू गोराई, पंक्ति किसकी है? नंबर एक मतिराम, बी नंबर बिहारी, सी नंबर है देव और डी नंबर जयसिंह। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक कमेंट में बताएं, आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, आंसर बताइए, गेस करिए कुछ भी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मतिराम। ठीक है, ए नंबर जो ये पंक्ति है पूरी, ठीक है, इसके जो रचनाकार हैं या ये पंक्ति मतिराम की है ऐसा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, मतिराम की राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? नंबर एक चरित्र काव्य, बी नंबर है प्रहसन और सी नंबर है गीत नाट्य और डी नंबर है रासो काव्य। तो छत्र प्रकाश जो आप लोगों का है वो चरित्र काव्य है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चरित्र काव्य। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है रीतकाल में कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता हैं? क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा होगा आप लोगों को, रीतकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि, ठीक है, इनमें से कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता हैं? नंबर एक गिरधर दास, बी नंबर केशवदास, उसी नंबर है गिरधर काव्य राय और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु के पिता थे वो हैं गिरधर दास। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, गिरधर दास जी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है निम्न में से श्रृंगार लतिका किसकी रचना है? नंबर एक देव, बी नंबर पद्माकर, सी नंबर है भोजराज, डी नंबर है द्विजदेव। ठीक है, तो जो श्रृंगार लतिका है उसके जो रचनाकार या रचयिता हैं वो कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी नंबर, द्विजदेव। ठीक है, द्विजदेव हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए, द्विजदेव लिखा रहे, टाइप करने में थोड़ा आ नहीं रहा था इसलिए मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है, ऐसे हो सकता है आपके एग्जाम में, द्विजदेव, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, द्विजदेव, श्रृंगार तालिका द्विजदेव की रचना है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को, जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो स्टूडेंट बोरिंग फील होता है ना उनको, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को दो पार्ट में कर दूँ। फिलहाल मैंने क्वेश्चन आप लोगों को जैसा बताया मैंने पूरे 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं, और भी क्वेश्चन है 26 है, ठीक है 27 भी है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूरे मैंने 50-60 क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसका सेकेंड पार्ट लाऊं। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो सेकेंड पार्ट में लाऊंगा, यानी कि 25 क्वेश्चन इसमें से, इस पार्ट में 25 क्वेश्चन, और जो अगला पार्ट आएगा शाम तक आप लोग कमेंट करेंगे तो 26 से लेकर पूछे 50 क्वेश्चन होंगे जो कि पूरे रीतकाल से रिलेटेड ही होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो आगे हैं यानी कि 26 से स्टार्ट है 50 तक, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। शाम तक इसलिए सेकेंड पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है, शाम तक या इस वीडियो के अपलोड होने के बाद कुछ टाइम बाद वो भी वीडियो आ जाएगी, तो प्लीज़ उसको भी आप वॉच करिएगा और उस वीडियो का इंतजार करिए। बस मैं 25 क्वेश्चन बताऊँ जिससे आपको बोरिंग जरा सा भी ना फील हो, और आपको वीडियो ये वाली अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे ज्वाइन हो जाए, जिसपे मैं पर डे क्वेश्चन और आंसर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरी वेबसाइट है, ठीक है, उस पर आप रिडायरेक्ट हो जाइए, वहाँ पर तुलसीदास रहीम दास जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उस पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जिन स्टूडेंट को कुछ भी मॉडल पेपर कुछ भी क्वेश्चन चाहिए जिस भी सब्जेक्ट का, प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उन वो भी मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने की। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों।